नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ एक महीने से ज्यादा समय से चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए किसान संगठनों और तीन केंद्रीय मंत्रियों के बीच सोमवार को हुई सातवें दौर की वार्ता बेनतीजा रही। बता दें, बैठक में किसान संगठनों के प्रतिनिधि प्रारंभ से ही इन कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे। वहीं सरकार ने कानूनों के फायदे गिनाए। किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि अगली बैठक 8 जनवरी को होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया, आज की बैठक में कोई निर्णय नहीं हो पाया। सरकार और किसान संगठनों के बीच 6 जनवरी को फिर से वार्ता होगी। रांची में सीएम हेमंत के काफिलों को प्रदर्शनकारियों ने रोका। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिलों को राजधानी रांची के किशोरगंज चौक के पास रोका गया। घुसाए लोगों ने सोमवार शाम करीब 6 बजे सीएम की पेट्रोलिंग एस्कॉर्ट गाड़ियों को रोककर उत्तेजित लोगों ने विरोध जताया। इस दौरान तोड़फोड़ भी की गई। रांची के ओर मांझी में एक युवती के साथ दुष्कर्म और फिर सिर काटकर हत्या किए जाने से लोग गुस्सा में थे। इस घटना के खिलाफ किशोरगंज चौक के पास विरोध प्रदर्शन करते हुए सीएम हेमंत के काफिलों को लोगों ने रोक दिया। जैक बोर्ड 10वीं 12वीं एग्जाम तिथि घोषित, 9 मार्च से शुरू। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 9 मार्च से शुरू होगी। बता दें, दोनों परीक्षाएं 26 मार्च तक चलेगी। सोमवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। दोनों ही पालियों में परीक्षा का संचालन किया जाएगा। बता दें, मैट्रिक की परीक्षा में करीब 4,25,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 3,25,000 छात्र छात्रा परीक्षा देंगे। परीक्षा का शेड्यूल अगले सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा, जिससे छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी करने में सुविधा मिल सकेगी। निजी वाहनों पर सिर्फ नंबर प्लेट लगाने की इजाज़त। निजी वाहनों पर नंबर प्लेट के अलावा नेम प्लेट या दूसरा कोई अन्य बोर्ड लगाने पर पाबंदी होगी। हालांकि सरकारी व न्यायिक पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को नेम प्लेट लगाने की छूट होगी। बता दें, हाई कोर्ट के निर्देश पर परिवहन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर विभागीय मंत्री चंपई सोरेन के पास भेज दिया है। मंत्री के अनुमोदन के बाद इस पर मुख्यमंत्री की सहमति ली जाएगी। अंत में विभाग के स्तर पर इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद नियम प्रभावी हो जाएगा। हाई स्कूल व प्लस टू में 60 दिन छुट्टी। झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने हाई व प्लस टू स्कूलों में इस साल होने वाली छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार इस साल इन श्रेणी के स्कूलों में कुल 60 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी। रविवार को पड़ने वाले पर्व त्यौहार इसमें शामिल नहीं है। वही मुस्लिम त्यौहारों के लिए घोषित छुट्टियों में चांद की दृष्टि गोचरता के अनुसार बदलाव हो सकेगा। केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार गढ़वा पहुंचे। राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार सोमवार की दोपहर में गढ़वा के भंडारिया पहुंचे। उन्होंने भंडारिया थाना पहुंचने के उपरांत जिले के आला पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पुलिस प्रशासन के लोगों ने सुरक्षा व विकास से संबंधित चर्चा की। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बगल के राज्य छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग चल रही थी, वहाँ से वापस लौट रहा था तो सोचा यहाँ भी हो लूँ। मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में सुधार। चेन्नई के MGM अस्पताल में इलाजरत राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है और अगले कुछ दिनों में उनके झारखंड वापस लौटने की उम्मीद है। वहीं उन्होंने नव वर्ष पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी है। किसानों की कर्ज माफी पर सरकार की बड़ा फैसला। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग कृषि ऋण माफी योजना को अगले वित्त वर्ष में भी जारी रखेगा। बता दें, सोमवार को कृषि बजट की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में इस बाबत स्पष्ट संकेत दिए गए। कृषि मंत्री बादल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कृषि विभाग की तमाम चालू योजनाओं को अगले वित्तीय वर्ष में भी जारी रखने पर सहमति बनी है। बता दें, मंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर कुछ नई योजनाओं को शुरुआत करने के बाबत अधिकारियों से सुझाव भी मांगे। झारखंड में 160 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो रांची से 81, धनबाद 16, पूर्वी सिंहभूम 14, बोकारो 12, जबकि अन्य 7 जिलों चतरा, गोड्डा, जामताड़ा, खूंटी, लोहरदगा, पाकुड़ तथा पश्चिमी सिंहभूम से कोई संक्रमित नहीं मिले हैं। झारखंड में कुल मौत 1036 है, वहीं कुल एक्टिव केस 1528 है। भारत में 16,278 नए संक्रमित मिले हैं। भारत में कुल मौत 1,49,886 है, वहीं भारत में एक्टिव केस 2,28,088 है। जैक बोर्ड मैट्रिक का मॉडल प्रश्न पत्र जारी। मैट्रिक परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र का पहला सेट झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सोमवार को जारी कर दिया है। बता दें, मॉडल प्रश्न पत्र के माध्यम से परीक्षार्थी तैयार कर सकेंगे।
जैक ने अपनी वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर इसे अपलोड कर दिया है। मैट्रिक में विज्ञान को छोड़ सभी विषयों की लिखित परीक्षा 90 अंक की होगी, जबकि 10 अंक स्कूल के द्वारा इंटरनल असेसमेंट के लिए दिए जाएंगे। वहीं विज्ञान की लिखित परीक्षा 80 अंक की होगी और 10 अंक प्रैक्टिकल और 10 अंक स्कूल असेसमेंट के होंगे। बता दें, छात्र यहां मॉडल पेपर PDF फॉर्मेट में देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। युवती की पहचान करने वालों को 25,000 इनाम। रांची पुलिस ने ओरमांझी थाना क्षेत्र से बरामद सिरकटी युवती के शव के सिर को सोमवार को भी तलाश की, लेकिन सिर नहीं मिला। युवती की शिनाख्त के लिए SSP सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि युवती की पहचान और अपराधियों के संबंध में सूचना देने वालों को 25,000 रुपये नगद राशि देकर पुरस्कृत किया जाएगा और सूचना देने वाले का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा। बता दें, युवती की उम्र 18 से 22 के आसपास है। युवती की लंबाई 5 फीट के करीब, रंग गेहुआ, शरीर की बनावट दुबला पतला और दाहिने हाथ। सरकार के खिलाफ राज्य में जन आक्रोश, दीपक प्रकाश। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न का विरोध है, मुख्यमंत्री के काफिले का घेराव। प्रकाश ने सोमवार को कहा कि जनता रोज की घटनाओं से उब चुकी है, पानी नाक के ऊपर जा चुका है। राज्य का हर व्यक्ति आज अपनी बेटी बहन की इज्जत एवं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ऐसे में राज्य के मुखिया को जन भावनाओं को समझने की जरूरत है। सरकार इस प्रकार के बढ़ते अपराध पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे, समाज को शर्मसार करने वाली ऐसी घटनाओं का समाधान करे। किसान राहत कोष से किसानों को मिलेगी मदद, मंत्री बादल। मुश्किल दौर में किसानों को सहायता देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने किसान राहत कोष का गठन किया है। सरकार ने किसानों की सहायता के लिए इस कोष में 100 करोड़ की राशि दी है। इस राशि से कठिनाई के समय किसानों को सहायता दी जाएगी, ये बातें राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कही। बता दें, कृषि मंत्री सोमवार को खूंटी जिले के डुंगरा में आयोजित किसान सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कही। कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा अप्रैल में। मार्च के अंत तक मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा खत्म होने के बाद अप्रैल में 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा होगी। बता दें, यह परीक्षा हर साल फरवरी में आयोजित होती थी। परीक्षा OMR सीट पर होगी और मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षा केंद्र में 9वें और 11वें की परीक्षा होगी। खोटी व गुमला में बॉर्डर इलाकों में सक्रिय इनामी PLFI ओझा गिरफ्तार। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के एरिया कमांडर ओझा पाहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया है। बता दें, ओझा पर सरकार ने 1,00,000 रुपये का इनाम रखा है। ओझा हत्या, रंगदारी, लूटपाट व आर्म्स एक्ट का आरोपी है। उसके खिलाफ कामडारा थाना में 3 व बसिया थाना में 1 मामला दर्ज है। वह गुमला व खोटी जिला के बॉर्डर इलाके में सक्रिय था। ओझा की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। कोरोना संक्रमण के बाद खुले प्राइवेट स्कूल में 30% उपस्थिति। कोरोना वायरस महामारी के कारण बंद कई निजी स्कूल सोमवार से खुल गए हैं। बता दें, पहले दिन स्कूल में थ्योरी क्लास के साथ साथ प्रैक्टिकल क्लासेस करवाए गए। शारीरिक दूरी का ख्याल रखते हुए एक लाइन में सिर्फ 12 से 10 छात्रों को प्रैक्टिकल करने का निर्देश दिया गया। वहीं कक्षाओं में भी यही व्यवस्था बनाई गई। बता दें, 2 छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखी गई थी। अनुबंध सहायक प्राध्यापकों ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन। झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ रांची विश्वविद्यालय इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पांडे और कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने लंबित मानदेय भुगतान संबंधित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। दल बदल का मामला। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने दल बदल मामले में हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर चुनौती दे दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनके सामने परिस्थिति कुछ ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट जेवियर्स स्कूल हजारीबाग के प्रबंधन को यह बताने को कहा कि किन परिस्थितियों में स्कूल के छात्रों को निष्कासित किया गया है। बता दें, चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने स्कूल प्रबंधन को शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा है कि जब छात्र वार्षिक परीक्षा में सफल हो गए थे और अगली क्लास में उनका नामांकन किया गया था, तब कौन सी परिस्थिति में बच्चों को स्कूल से निष्कासित किया गया। बता दें, 11 जनवरी तक इसका जवाब देने का निर्देश अदालत ने दिया है। इस संबंध में स्कूल के कई छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
छात्रों का कहना है कि कोरोना काल में स्कूल की फीस जमा नहीं करने के कारण उनका नाम स्कूल से काट दिया गया है। वैक्सीनेशन को लेकर बैठक रांची उपायुक्त। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने सोमवार को कोविड 19 के वैक्सीनेशन से संबंधित तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक में जिला के विभिन्न प्रखंडों में अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाने को लेकर चर्चा की गई। वैक्सीनेशन साइट कहाँ होंगे, वैक्सीनेशन सेंटर पर व्यवस्था कैसी होगी, इसे लेकर पदाधिकारियों ने विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान उपायुक्त छवि रंजन ने प्रत्येक प्रखंड में वैक्सीनेशन सेंटर के लिए आवश्यकता अनुसार भवनों को चिन्हित करने का निर्देश दिया। बर्ड फ्लू को लेकर झारखंड में अलर्ट। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कुछ अन्य राज्यों में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में पशुपालन विभाग की ओर से सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इस संदर्भ में पशुपालन विभाग के स्तर से तत्काल एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि राज्य में बर्ड फ्लू का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। पशुपालन निदेशक नैसी सहाय ने सोमवार को सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को मध्य प्रदेश और राजस्थान का हवाला देते हुए संभावित बर्ड फ्लू के फलस्वरूप सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। धन्यवाद।